सो गाइस डॉन की पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दो तीन पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि जब आपको इसकी बैटरी चार्ज करनी हो। मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि इसकी 15 मिनट से ज़्यादा का फ्लाई टाइम है और आपको इसको चार्ज करना हो तो सिंपली आपको इसको जो इसमें हमको चार्जर मिलता है, आपको उस चार्जर में इसकी पिन को लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको इसकी पिन में लगा दिया है और आपको सिंपली इसको जब चार्ज बैटरी को करना है तो आपको सिंपली अपने फ़ोन का नॉर्मल चार्जर लेना है, उसकी केबल को निकाल देना है और उस केबल की जगह पर इसको लगा देना है। देख सकते हैं मैंने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है। अब नॉर्मली आपको अपने बोर्ड को लेना है और बोर्ड में इसको अटैच कर देना है। मैं इसको अटैच कर देता हूँ और देखिए अगर आपने सही पोर्ट लगाया है तो इसमें एक रेड लाइट है वो इंडिकेट हो जाएगी और इसको चार्ज होने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, उसमें ये फुल चार्ज हो जाती है। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपको नॉर्मली इस पिन में वापस इसको लगा के अंदर कर देना है और ड्रोन फिर से फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप इस ड्रोन को बिना कैमरे के फ्लाई करते हैं तो आप इसको आधा घंटा तक आराम से उड़ा सकते हैं। ड्रोन को अपने फ़ोन से भी उड़ा सकते हैं पर फ़ोन से उड़ाना थोड़ा कठिन होता है रिमोट के मुताबिक। अगर और इसको फ्लाई करना है तो आप मैंने जो आपको कैमरे वाली ऐप बताई थी, आपको उस ऐप में जाके डायरेक्टली इसको फ्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, आप उस ऑप्शन पे जाके इसको फ्लाई कर सकते हैं पर उसमें क्रैश होने का डर रहता है। अगर आपसे उड़ाते नहीं बनाओ और ड्रोन क्रैश हो जाएगा, इसमें कुछ डैमेज भी आ सकता है। गाइस आपको इस अपने ड्रोन को फ़ोन से उड़ाने के लिए सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे आपको वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें ऑफ लिखा होगा, आपको उसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये है बैक हो गया, आप इसको डायरेक्टली ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको सेंटर में रख देना है। आप जैसे ही इस वाले टर्टर को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेंगे आपका ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको कैमरे की क्वालिटी की वीडियो नहीं दिखा पाए थे जो कि हम आपको इस पार्ट में दिखा देंगे। वैसे इसके प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा है जो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस आप इस ड्रोन के शॉट्स देख सकते हैं जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से यार बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइस अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।